नमस्कार, पीके भी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो मेरे प्रिय साथियों, आज हम आपको बिहार डीएलएड से संबंधित वीडियो बनाने जा रहे हैं। इससे पहले कुछ वीडियो हम बिहार डीएलएड से संबंधित बनाए हुए हैं और यह उसी कड़ी में फिजिक्स का वीडियो है। हम स्टार्ट करते हैं, आप हमें कमेंट करें आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा। इसी तरह से हम सभी विषय का वीडियो बनाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए। अगर मेरे आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में आने वाले घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट आंसर बोलेंगे क्योंकि उन्हें वीडियो लंबा चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा पदार्थ होगा मेरे मित्र, तो मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है। तो इसको निर्गत कोण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे उत्तल लेंस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च लाइट का प्रावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का प्रावर्तक सतह अवतल होता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। निर्वात में प्रकाश का चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में दो फोकस होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है। तो अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो साइन आई बटे साइन आर होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु से छोटे और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण द्वारा प्राप्त होता है। तो वस्तु से छोटे एवं आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं, तो समतल दर्पण द्वारा सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में भी बनता है और उत्तल दर्पण में भी बनता है, इसलिए डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश क्या है तो प्रकाश आंखों को प्रभावित करने वाली एक ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 18 नंबर हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन पर चलिए, जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो वह दर्पण कैसा होगा। तो वह दर्पण समतल होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो 20 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन नंबर सी। किसी उत्तल लेंस के सामने 2F और अनंत के बीच कोई बिंब रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या है, तो अभिलंब है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई लेंसों से बने एक लेंस की उपयोगिता क्या है। तो कई लेंसों से बने एक लेंस की उपयोगिता सूक्ष्मदर्शी के लेंस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है, तो कैसी है, तो आभासी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समानांतर किरण पुंज किस दर्पण में बदल जाता है। तो अवतल दर्पण में भी बदलता है और उत्तल दर्पण में भी बदलता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो
समतल दर्पण में बनता है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, तेल लगा कागज किसका उदाहरण है? तो तेल लगा कागज परभाषक पदार्थ का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? काल्पनिक और बड़ा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर क्या होता है? आई बराबर आर होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, किसी फोकस एम ए फोकस की दूरी के लेंस की क्षमता क्या होगी? तो इसकी क्षमता हो जाएगी 1/f/m। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह के लंबवत देखने पर इस वस्तु की प्रतिबिंब वस्तु से कैसे बनेगी? तो अधिक दूर पर बनेगी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ बराबर R/2 सत्य है किसमें? तो अवतल दर्पण में भी सत्य है, उत्तल दर्पण में भी सत्य है, तो ए और बी दोनों में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु को रखने पर इसका आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो इसकी फोकस दूरी एक अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर के इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बीम का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को अवतल सॉरी उत्तल दर्पण के सामने रखना होगा, कहाँ पर रखना होगा? तो 35 का इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2F पर, यानी जिसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण होता है, मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण होता है। हीरा का प्रतनांक कितना है? तो हीरा का प्रतनांक 2.42 है, और हीरा सबसे दुनिया में कठोर वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल का प्रतनांक होता है, अल्कोहल का प्रतनांक होता है 1.36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुई अवतल लेंस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो धनात्मक होती है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आई बराबर आर नहीं लागू होता है किस दर्पण में? तो समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में लागू होता है, डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी अब -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण और लेंस संभवतः है दोनों ही अवतल है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? -20 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डी यानी 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितना होगा? तो इसका फोकस दूरी होगा 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। समान फोकस दूरी के उत्तल लेंस और अवतल लेंस को सटाकर रखे गए यह युग्म काम करेगा किसके तरह हाथी काम करेगा? तो कांच के आयताकार शिल्ली की तरह कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस द्वारा जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो बिंब रहती है कहाँ रहता है? फोकस शांतर के अंदर रहता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उत्तल लेंस में जब बीम फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो काल्पनिक और सीधा बनता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, कहाँ पर बनता है? तो फोकस पर बनता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शब्द कोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आपकी निम्नलिखित लेंस का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का। मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में क्या होती है? तो कम होती है, मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में कम होती है, 53 नंबर। चलिए, इस तरह से इस वीडियो में आपने फिजिक्स का क्वेश्चन देखा, हम फिजिक्स का और सीरीज बनाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार डीएलएड से संबंधित कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आने वाले घंटी का बटन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।